अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, नामपली पुलिस स्टेशन हदूद बाजारघाट में साबिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर का जुल्म इन दो नौजवानों पर हुआ और इनके साथ कुछ और नौजवान थे जो ये दो नौजवानों पर हमला किए। महज पार्किंग को लेकर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई लेकिन पुलिस भी कोई ख़ास कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही है। हाल ही में जो कत्ल हुआ है और जो कत्लों का सिलसिला चल रहा है, क्या पुलिस कत्ल होने तक इंतज़ार करती है? तभी कोई भी शिकायत आते फौरन एक्शन लेने की बजाय पुलिस डिले करती है। ख़ास तौर के कुछ पॉलिटिशियन और कुछ रसूखा रखने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती। यही वजह है कि आए दिन हमारे शहर हैदराबाद में इस तरह से कत्ल हो रहे हैं। कौन है इसके ज़िम्मेदार? हमारा खोखला सिस्टम या फिर हम खुद जो इस सिस्टम को नहीं बदल सकते? बहरहाल, उस्मानिया हॉस्पिटल में ये लोग गए और वहीं पर मीडिया से बात करते हुए सारे तफसलात बताई। तकी रहमान की ये रिपोर्ट। देखिए, गाड़ी लगा रहे थे बाजारघाट पे, ऊपर उबर कैब की गाड़ी चला, ओला उबर के अंदर मैं गाड़ी चलाता हूँ। रात में कारोबार से थक के आगे गाड़ी लगा रहा था मैं, हमारे भाई हमारे को छोड़ने आए थे गाड़ी ले लेके। तो गाड़ी लगाते लगाते एक जना पीछे से आगे, क्योंकि MIM के एक्स कोऑपरेटर है कहते हैं ना, तो पीछे से आगे गाड़ी इधर नहीं लगाना, हटाओ यहाँ से गाड़ी, बोले। तो मैं बोला क्या हुआ भाई, मैं अभी से नहीं लगा रहा हूँ, दो महीने से वो लगा रहा हूँ मैं, अभी तक नहीं हुआ कुछ भी, नहीं आते गाड़ी हटा रहा नहीं हटा रहा बोल के गाली दिए। गाली दे दो हमारे भाई को। गाड़ी लगा रहे तो उनका कुछ घर वगैरह था क्या? उनका कुछ भी वहाँ घर वर कुछ भी नहीं है, वो IDBIC की जगह है वो जी, उनके जगह के सामने हम लगा रहे पे है वो। रोड पे ही लगा रहे, डिवाइडर का मतलब व्हाइट कलर की पट्टी है फुटपाथ की, ये बाजू लगा ले रहे। उन लोगों को, बिल्डिंग वालों को भी कुछ भी नहीं है तकलीफ। इन्हों क्या करे, इन्हों क्या करे, आके हटाओ यहाँ से गाड़ी, हमारो गाड़ियाँ हमारे आ रहे हैं यहाँ पे अभी लगाने का है बोल के मेरे को बोले। गाड़ी से उतर आए, उतर के हमारे भाई बोले भाई क्या हुआ भाई, तो गाड़ियाँ न लगाना, हमारे गाड़ियाँ आ रहे यहाँ पे, हम ना यहाँ पे लगाते गाड़ी वाले भाई। भाई बोला भाई मैं आज से नहीं लगा रहा, दो महीने से लगा रहा हूँ गाड़ी। बोलते हैं क्या, बोले गाड़ी हटा रहा नहीं हटा रहे, तेरी माँ की तेरी बहन की गालियाँ दे दी है जी, गालियाँ दे दे के। मैं बोला अरे भाई क्या हुआ, गालियाँ ये वो MIM के कॉरपोरेटर है कहते हैं, वहाँ पे फुटपाथ पे डब्बा डाल देंगे, रियल इस्टेट का कारोबार करते हैं फुटपाथ पे, उनकी जगह फुटपाथ को कब्जा कर लेंगे, वहाँ पे ऑफिस बना दिए, ऑफिस बना के वहाँ पे सबसे दादेगरी कर लेते हुए रहते हैं सबसे। फिर मैं बोला तो गाली दिए, गाली देते हैं हमारे भाई बोले क्या हुआ भाई, गाली कहीं को दे रहे, गाली देते ही फल्ड बोल के भैरी मार दिए, भैरी मारी। अरे भाई मार रहे कहीं को बोलते, वहाँ पे पीछे लटना थे ले लेके आके हाथ पे मारे, हाथ मार के ये उंगली फोड़ दिए, ये पूरा पूरा ये हाथ। कितने जनों को मारे? मेरे को और हमारे भाई को मारे, पहले दो जने मिलके मारे, फिर हमारे भाई क्या करे, पाँच छः जने वहाँ से आवाज़ दे दे के पूरे भाग लेते हैं। हमारे भाई लेफ्ट की गली में घुसते हैं, उनको पकड़ लिए, पकड़ के आठ दस जने मिल के लाता घुसे, पैसा कदा कि मारे वहाँ पीछे से भाग गया हम। अभी PS में भी उन्होंने बोल रहे कि तुम्हारे को, तुम लोगों को बताता रहे, तुम लोगों को क्या समझे तुम लोग, हम लोगों को PS में बैठ के धमकी दे रहे हो। हमारे PS में ये नामपल्ली नीलोफर PS में ऊपर बैठ के धमकी, पुलिस वालों को बोले आप? जब मैं बोला पुलिस वालों को, अरे पहले पुलिस वाले भी बोल रहे हैं पहले जाओ तुम लोग मेडिकल कराओ पहले, ऐसा धमकी दिए करे बोल के बोले? हाँ बोला, मैं धमकी दिए था फिर लोग हमारे को बोले तो नहीं सुने, उल्ला भी क्या बोले, बोले हाँ जाओ तुम लोग पहले मेडिकल तो कराओ, बात की बात ना देखेंगे सब बोल के बोल रहे। फिर मैं बोला भाई नाला साफ दे बता, धमकियाँ दे रहे ना, हमारे को जानकर तकलीफ है भाई लोगों से। अभी अभी क्या, मैं वहीं से रहता हूँ, रात में आता हूँ अकेला, लगा के गाड़ी लगी के चले आता हूँ। बोलना क्या है, हमला हमला कर दिए बाद में, हमारी कुछ भी किसी से दुश्मनी कुछ भी नहीं है, कोई पहचानता भी नहीं, घर से काम, काम से घर करने वाला बच्चे हम लोग। हमारे वही भी ओला उबर में गाड़ी चलाते, वो दिनों से नहीं मिले बोल के आए थे उन्होंने मिलने के वास्ते, तो उनको भी हमारे। मैं बाजार गेट पे वो चर्च के पास में रहता हूँ नीचे डॉन में, तो वहाँ पर गाड़ी लगाया था मैं, अब वहाँ पर पार्किंग नहीं है बोल के नीचे हमारे घर के पास हम, तो वहाँ पर ऊपर पार्किंग में लगा रहे थे गाड़ी, लगाए तो एक्स कॉरपोरेटर है कहते हैं MIM का, एक्स कॉरपोरेटर सुबानी आके क्या करे, गाली गलूस कर दिए, गाली गलूस करे, गाड़ी निकाल यहाँ से बोले, अरे हमला बोले सीधी बात करो बोले, तो सीधी बात नहीं करे उन लोग, सीधी बात नहीं करके क्या करे, उठा के मेरे एक दोस्त है उनको मार दिए, भैरी मार के पूरे उनके भाइयों को, पूरों को बुलाए, वो जो बस उनके भाया क्या कौन कौन की है कौन की, 15 से 20 जने मिलके हमला कर दिए, और यहाँ पर ये हाथ पे और ये सिर पे पूरे राडोन से और निकल पंचों से मारे उन लोग, निकल पंचों से मारे, यहाँ पर निकल पंच से यहाँ मारे और यहाँ पर रॉड से मारे। मैं सिर पे मार रहे थे तो हाथ पे लग गया मेरे, हाथ पे लगा तो
मैं पुलिस नामपली पीएस जाकर कंप्लेंट करा। ये कंप्लेंट है, मेरा कंप्लेंट है मोहम्मद तजर के नाम से कंप्लेंट करा मैं। तो वहाँ पर पुलिस साहब क्या करे, सर्कल साहब और इंस्पेक्टर साहब दोनों मिलके क्या करे, यहाँ पर भेजे उस्मानिया को। सुबान साहब जो बोल रहे कॉर्पोरेटर, आप इससे पहले पहचानते हैं उनको? आप पहचानते हम लोग, लोग वहाँ के कॉर्पोरेटर रह गए थे, हमको नहीं मालूम। लड़ेगांव ही है, चर्च के पास किधर? ये चर्च IDBL बैंक है ना, IDBL बैंक के पास में गाड़ी 2 महीने से वो हम लोग नए किराएदार हैं वहाँ पर नीचे एरिया बाजार गेट पे हम लोग गाड़ी वहीं लगा रहे थे। तो अभी गाली क्लोज करे, अम्मा बहन के गाली दिए तो हम लोग बोले सीधी बात करो साहब, आप कौन है आप बोले तो मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर हूँ, ये हूँ वो हूँ बोलकर मानने लग गए। और उसमें से और कौन की नामा पुकार के बुलाए बस्ती है, उनके अपार्टमेंट है कहते वहाँ पर घर है, वहाँ से घरों में से धन 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 पूरे निकल के 15 से 20 जने मिल के रॉडा और उनका डब्बा है जीरोक्स का, उसके पीछे रॉडा हथियारा पूरे रखे हुए, पूरे हथियारों से एक संगत मार रहे। कितने लोग जख्मी हुए आपके पास? मेरे पास दो, मेरे एक भाई है फैजान, उन्हों और मैं दोनों मिलके जख्मी हो गए। वो एक्सरे अभी अंदर जाके एक्सरे लेना है मेरे को, कि आप लोगों से दरख्वास्त है एसएस साहब से और अकबर साहब से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कितने जने मारे? 15 से 20 जने थे उन लोग। भी हमारे मेरे को भी दोनों को मिला के उन पूरे भया पूरे कॉर्पोरेटर रह गए थे, क्या क्या किया हम वो भी नहीं मालूम। हमारे को किसी से जान पहचान भी नहीं है हमारी, हम हमारा गाड़ी लगाते सुबह में चले आते घर को। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नो के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीन शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।